बहुत ही अच्छा व्यवहार और हर जगह वो एक्टिव रही। यशपाल शर्मा जी भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, मशहूर अभिनेता हैं। यशपाल जी क्या कहेंगे, एक ऐसी हैरानी वाली खबर सामने आई है जिस पर विश्वास करना अभी तक भी मुश्किल हो रहा है। जी विनय जी, मैं खुद शॉक्ड हूँ, बिल्कुल विश्वास नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतनी यंग एज में और इतनी जुझारू एक व्यक्तित्व था उनका, और जिस तरीके से, क्योंकि मैं एक बार उनको बॉम्बे में ही मिला हूँ और उसके बाद लगातार हम लोग व्हाट्सएप के जरिए वो हमेशा अपना अपडेट मुझे देती रहती थी। अभी परसों भी उन्होंने शायद कुलदीप बिश्नोई जी के साथ कोई वीडियो था, उन्होंने भेजा था जी, हाँ ये जी, तो वो हमेशा टच में रहे हम लोग जी। लेकिन मुझे उनके काम देख के, उनके जुझारूपन देख करके कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इतनी जल्दी मतलब वो चली जाएंगी, क्योंकि एक एक कहीं से भी 1% भी ना कोई बीमारी ना कुछ, बिल्कुल स्वस्थ हालत में, स्वस्थ तरीके से, बिल्कुल एक बड़ा ही अजीब अनएक्सपेक्टेड न्यूज थी आज सुबह मेरे लिए ये। बिल्कुल मैं बिल्कुल उनको बहुत अपने अंदर से श्रद्धांजलि देता हूँ, अंतर मन से रियली जी। और यशपाल जी ये भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए अगर आपकी बात करें तो आप भी अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाते रहे हैं और एक कलाकार के लिए तो अपने आप में ही बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उसको अलग अलग तरह की भूमिका निभानी होती है अपने जीवन में भी और फिल्मी पर्दे पर भी। और अगर हम बात करें सोनाली जी की तो वो तो और ज़्यादा भूमिका निभा रही थी, वो चाहे एक राजनीतिक जीवन के तौर पर देख लीजिए, चाहे वो एक कलाकार के तौर पर देख लीजिए, या शुरुआत में हमने देखा कि जब उन्होंने शुरुआत की तो एक एंकर के तौर पर की थी, तो ये अपने आप में एक उदाहरण पेश करता है आज की महिलाओं के लिए भी। ऐसे कलाकार का बीच में से एकदम से चला जाना वाकई में हैरान करता और बहुत ज्यादा दुखद, और समझ नहीं आता कि क्या शब्द लाएं ऐसे समय में हम उनके लिए। नहीं बिल्कुल सर, देखिए टिकटॉक के दुनिया में भी बहुत फेमस रही हैं, बिग बॉस में भी आई हैं और भी बहुत सारे कामों में, आपने जो बताया सब कामों में बहुत बिजी रही हैं, और एक लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए एक आदर्श रही हैं वो। बिल्कुल बहुत काम किए उन्होंने कि होकर कि उनके हस्बैंड भी नहीं थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है, एक लड़की है उसको पालना और उसी सब काम करना, सारे काम अपने आप में एक मतलब एक आदर्श है और मिसाल है बिल्कुल। रियली। और बस यशपाल इतना जी ही है। एक चीज और मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जिस तरह से हम आपको भी देखते हैं या बाकी हम कलाकारों को देखते हैं हरियाणा के, ये लोग हरियाणवी इंडस्ट्री को एक अपनी अलग पहचान दिलाने के लिए लगे हुए हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों ने पहचान भी दिलाई है। ऐसे में अगर इस तरह का कलाकार अगर बीच में चला जाए तो एक जो प्रयास है उन प्रयासों को भी थोड़ा धक्का लगता है कि हम एक अपनी इंडस्ट्री को भी अलग से एक स्थापित करें और उसकी एक अलग पहचान बनाएं। जी बिल्कुल, एक छोटे से छोटा कलाकार भी, तो सोनाली जी तो बहुत बड़ी कलाकार थी और पॉलिटिशियन भी थी, अगर छोटा कलाकार भी जाता है तो अपने आप में एक धक्का लगता है और एक नुकसान है इंडस्ट्री को। और मेरा ये मानना है कि अभी इस वक्त ये वक्त आ चुका है इस वक्त की हरियाणवी इंडस्ट्री को सब लोग एक हो जाएं, अपने पुराने सारे गिले शिकवे सब भूल भाल करके एक हो जाएं और पूरी थिएटर साउथ की इंडस्ट्री और पंजाब की इंडस्ट्री, महाराष्ट्र की इंडस्ट्री, केरला की इंडस्ट्री को कर दें, क्योंकि ये वक्त है, टैलेंट भी काम आता है, बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं अभी पिछड़ रहा है तो रीजनल सिनेमा आगे आ रहा है, एंड सोनाली का जाना, सोनाली जी का जाना हमारे लिए सच में एक बहुत बड़ा धक्का है और बहुत बड़ी क्षति है। अभी लास्ट मैंने उन्होंने उनको देखा था, छोरियां छोरों से कम नहीं होती जी, है, पुलिस वाली की भूमिका निभाई थी जो कि बहुत ही कमाल की भूमिका निभाई थी उन्होंने जी, जी। तो जी यशपाल जी, एक आखिरी सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगा कि कभी आपका पर्सनली अगर मिलना हुआ हो, किस तरह का व्यवहार रहा, किस तरह से वो, क्योंकि ये बहुत रहा है कि वो दूसरों से बड़ा सीखती थी, तो आपका कैसा अनुभव रहा? नहीं, मैं एक ही मीटिंग रूबरू मेरी एक ही मीटिंग हुई थी बॉम्बे में जी, बताऊं, उन्होंने चाय वाय पिलाई थी, बहुत अच्छे से हंसे, खूब सारी बातें की, उन्होंने अपनी इच्छाएं भी जाहिर की कि मुझे फिल्मों में काम करने की इच्छा है, और उन्होंने मुझे भी बोला कि अगर कहीं भी जरूरत होगी तो बताना, मैं बोला बिल्कुल अभी तो ये फिल्म ऑलमोस्ट तैयार है तो इसलिए इसमें नहीं, लेकिन आगे जरूर काम करेंगे हम साथ में, और बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्रेशन थी और बहुत ही एनर्जेटिक वाइब्रेशन थी, और बकायदा उन्होंने बताया था कि किया है और पति उनका नहीं मतलब उसके साथ बोला था, लेकिन मुझे ये है इतना कि उनका जो एटीट्यूड रहा वो हमेशा पॉजिटिव रहा,
मतलब और हमेशा जब भी कोई भी घटना होती थी या कोई वीडियो होता था कुछ भी होता था, वो हमेशा मुझसे शेयर करते थे। मैं हैरान हूँ कल तक भी उनके मैसेज आते रहे हैं और अचानक से आज ये एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज सुबह मिली है, तब से मैं मेरे दिमाग में वही चल रही है कि मतलब कैसे हो सकता है। तो मेरा बस इतनी है कि विनय जी कि हमको चाहे कितने भी बिजी हो जाए, कितने भी बड़े स्टार हो जाए, कितना ही अमीर हो जाए, कितना भी फेम हो जाए, कितने भी काम हो, लेकिन जो छोटी छोटी खुशियां हैं, छोटे छोटे सुकून हैं, शांति के जो पल हैं, आराम की जो जिंदगी है, उसको ना भूलें। सही बात कही सर आपने, इसमें बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। कोरोना के बाद तो और जिंदगी का मतलब ऐसी हो गई है कि पता नहीं कल कौन चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया यशपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो वाकई में ये सभी के लिए एकदम से शॉकिंग न्यूज़ थी, एकदम हैरान करने वाली खबर।